कोविड 19 जागरूकता कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं। आप सभी को संजय पांडेय का नमस्कार। नमस्कार, मैं अनुष्का शर्मा बोल रही हूँ। जब देश भर की महिलाओं ने यह ठान लिया था कि वो सबको दरवाजा बंद तो बीमारी बंद का पाठ पढ़ाएंगी, तो किसने सोचा था कि उनकी ये पहल इतनी बड़ी लहर बन जाएगी। आज कोरोना वायरस महामारी के समय में हम सबको स्वच्छता के इस पाठ को दोबारा याद करना और कराना है, क्योंकि अगर हम अपने आसपास सफाई का ध्यान रखेंगे, खुले में शौच ना जाकर खुद को स्वस्थ और भारत को स्वच्छ रखेंगे, तो हम किसी भी प्रकार की बीमारी से लड़ने के लिए सक्षम बनेंगे। इसीलिए आइए आज फिर उसी पाठ को दोहराते हैं। खुले में शौच ना करके शौचालय का दरवाजा बंद करके बीमारी को देश से दूर भगाते हैं। कीजिए शौचालय का इस्तेमाल और रहिए खुशहाल। हर कोई, हर रोज, हमेशा। जय हिंद। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा। श्रोताओं, मानसून ने छत्तीसगढ़ में दस्तक दे दी है और अब बारिश के मौसम में बाजारों, दुकानों में हमें शारीरिक दूरी का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा और अब मास्क तो अनिवार्य रूप से लगाना ही होगा, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा मास्क नहीं लगाने पर 100 रूपये जुर्माना लगाने का निर्णय लिया गया है। लेकिन हम 100 रूपये के जुर्माने से बचने के लिए नहीं, बल्कि कोविड 19 के संक्रमण से बचने के लिए मास्क जरूर लगाएं। इधर राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी सहित राज्य के सभी जिलों में बाजार और दुकानें शाम 7 बजे की बजाय रात 9 बजे तक खुली रह सकेंगी। श्रोताओं, अनलॉक के बाद काफी कुछ गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं और देखा यह जा रहा है कि अभी भी कुछ लोग बाजारों में सावधानियों का पालन न करते हुए कोरोना काल से पहले की तरह ही, यानी कि बिना शारीरिक दूरी का पालन करते हुए खरीदारी करते देखे जा रहे हैं। ऑटो रिक्शा में भी पहले की तरह ही भरकर सवारियां बैठ रही हैं। इसी तरह कुछ लोग अभी भी मास्क नहीं लगा रहे हैं। इसलिए ऐसे लोगों से हमारा यही कहना है कि जब कोविड 19 के संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है, तो हमें इससे बचने के लिए पहले से भी ज्यादा सतर्क रहकर सावधानियों का कड़ाई से पालन करना होगा और तभी हम कोविड 19 के साथ, यानी इससे सुरक्षित रहकर खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। श्रोताओं, कोविड 19 से बचने के लिए विशेषज्ञों द्वारा बताई गई सावधानियों का पालन तो अनिवार्य रूप से करना ही है। इसका मुकाबला करने के लिए एक बात और जो विशेषज्ञों ने बताई है, वो ये है कि हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाए रखें, क्योंकि विशेषज्ञों के अनुसार ये पाया गया है कि जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है, वो कोविड 19 का मुकाबला बेहतर ढंग से कर पा रहे हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता को कैसे बढ़ाएं, इस बारे में हमने बातचीत की डॉक्टर विकास श्रीवास्तव से। डॉक्टर विकास श्रीवास्तव जी, इस कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, ये बात सामने आई है कि कोविड 19 से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता या इम्यून सिस्टम का मजबूत होना बहुत जरूरी है, तो हम आपसे पहले ये जानना चाहेंगे कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या उपाय हैं? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। जी, सबसे बड़ी बात ये है कि अभी देखिए, जितने भी कोरोना के लोग ठीक हो रहे हैं, उनमें उन लोगों की संख्या ज्यादा है जिनके इम्यून सिस्टम अच्छा है। अपने यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट पूरे वर्ल्ड में 49% है, जो विश्व में सबसे ज्यादा है। इंडिया के लोग ठीक हो रहे हैं, उसका बहुत से रीजन है। जो अपन देसी चीजें अपन यूज करते हैं अपने खाने में, वो अपने को इतना प्रतिरोधक क्षमता अपनी बढ़ाती जा रही है। अपने यहाँ बहुत सी चीजें ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो अपने को आराम से मिल जाती हैं गांव में, जिसको अपन यूज कर सकते हैं। जैसे गिलोय हुआ, गिलोय का आप चाहे तो काढ़ा बना लें, तुलसी है, च्यवनप्राश है, हल्दी है, आप ये सब चीज जितनी भी देसी चीजें हैं इनको आप यूज करें। और ऐसी जो भी चीजें हैं जो आपकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है, उसका आप चाहे तो काढ़ा बना लें। एक मैं सिंपल छोटा सा काढ़ा बना रहा हूँ, जिसको आप कोई भी घर में बना सकते हैं। जी, आप क्या करिए, ये एक व्यक्ति के लिए मैं बता रहा हूँ। जी, आप एक गिलास पानी लें, उसमें आप क्या करें, एक
सेंटीमीटर के बराबर गिलोय की डंडी को कुचल के, जैसा अपन अदरक कूटते हैं ना जी, वैसा कूट के डाल दें। उसमें एक काली मिर्च मिला लें, एक लौंग डाल दें, घर में हल्दी रहती है, दो चुटकी उसमें आप हल्दी मिला लें और उसको बॉईल करें। जब अच्छे से बॉईल होने लगे तो 5 से 7 पत्ती तुलसी की उसमें मिला दें। ये सबको मिला लें, मिलाकर छान लें और उसका काढ़ा आप हल्के गुनगुना छान कर गुनगुना पीना है, सिक्कर करके पिए, उससे आपकी प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी बढ़ गई है। उसके साथ ही दिन भर आप गुनगुना पानी का सेवन करें, क्या है जितने भी जो जम्स है वो अपने नाक से मुंह से शरीर के अंदर जाते हैं, अपन गुनगुना पानी पियेंगे तो सीधा पेट में चले जाएंगे। ये जो कोरोना के लक्षण है वो ज्यादा लंग्स में इफेक्ट कर रहे हैं, तो आप जो गुनगुना पानी पियेंगे तो पानी आपके लंग्स में ना रुक के सीधा आपके पेट में चले जाएगा, जिससे आपको संक्रमण के खतरा जो है बहुत कम होता जाएगा। उसके साथ ही आप क्या करें, अगर कुछ भी ना मिले तो आप क्या करें, सिंपल गुनगुना पानी करें और उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल लें, हल्दी डाल के उसको उबाल लें और उसमें एक काली मिर्च मिला दें, और तुलसी आपको हर घर में मिल जाती है, 2-3 पत्ती तुलसी डाल के उसको बॉईल कर लें, और जब 1-2 उबाल आ जाए उसके बाद उसको छान के आप सिप करके दें, जैसा अपन चाय पीते हैं ना वैसे हल्का हल्का सिप करके पिए, तो एक सिंपल काढ़ा कोई भी बना सकते हैं इजीली घर में जी। इसका उपयोग करें, इससे बहुत जल्दी आपकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सकती है। तो इस काढ़े में स्वाद के लिए कुछ गुड़ या नींबू या इस तरह से और भी कुछ चीज डाली जा सकती है? हाँ हाँ डाल सकते हैं, पर जैसे शुगर के पेशेंट है तो ध्यान रखें गुड़ डाल सकते हैं, या कुछ अगर शुगर के पेशेंट हो चाहे तो उसमें आप शुगर फ्री टेबलेट आती है वो डाल सकते हैं। गुड़ लें ज्यादा अच्छा, शक्कर के अपेक्षा गुड़ लेना ज्यादा अच्छा है। डॉक्टर साहब, आयुष मंत्रालय ने क्या दिशा निर्देश जारी किए हैं? उसमें भी जितनी भी आयुर्वेदिक चीजें हैं, जैसे आंवला खाने बोल रहे हैं, है ना, आंवला है, आप च्यवनप्राश का सेवन करें, अश्वगंधा सुना होगा, आप अश्वगंधा की कई फॉर्म आते हैं, या तो आप चूर्ण फॉर्म में ले लें जी, या तो आप उसको कैप्सूल फॉर्म में ले लें वो आप लें, च्यवनप्राश लें आप, उसमें गिलोय के बारे में बोला जा रहा है, तुलसी की टेबलेट्स आती है तुलसी वो आप लें, जितनी भी ऐसी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली चीजें हैं वो आप जितनी ज्यादा मात्रा में लें उससे आपकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती जाएगी। हम चाहेंगे कि इसकी सबकी मात्रा आप कृपया बता दीजिएगा। जी जी, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लक्षण नहीं है सर्दी खांसी कफ के जी, आप क्या करें, एक टेबलेट सवेरे एक टेबलेट शाम, चाहे तुलसी हो चाहे गिलोय की टेबलेट हो या अश्वगंधा के कैप्सूल आते हैं या पाउडर हो जी, इसको अगर कैप्सूल लेंगे तो आप एक लेंगे और पाउडर लेंगे तो लगभग 3 से 5 ग्राम की मात्रा में लेंगे। 3 से 5 ग्राम यानी सामान्य चम्मच में कितना भाग? सामान्य चम्मच जो अपन नॉर्मल लेते हैं वो अपना खाने में यूज करते हैं वो चम्मच 5 ग्राम का रहता है, उसको हाफ करेंगे तो 2.5 से 3 ग्राम के क्वांटिटी में आ जाता है वो। तो ये कितनी बार लेना है दिन में अश्वगंधा? दिन में 2 बार, अगर एक एक लेना है टेबलेट या एक एक चम्मच, अगर आपको लक्षण ऐसे कुछ नहीं है जी, किंतु अगर आपको ऐसा लग रहा है सर्दी खांसी है, गले में खराश है, सांस लेने में तकलीफ है, तो सिम्टम अगर आपको ऐसे थोड़े बहुत दिख रहे हैं तो आप इनकी मात्रा 2-2 कर सकते हैं, यानी 2 टेबलेट तुलसी के सवेरे 2 टेबलेट शाम को जी, गिलोय की 2 टेबलेट सवेरे 2 टेबलेट शाम को, उससे जो आपके लक्षण है बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। और नहीं है जैसे आप और मैं सामान्य आदमी है जो दिन भर उनको अपने काम के लिए घर से बाहर निकलना पड़ता है, या जैसे खेती किसानी के लोग अपने खेत में काम करने जा रहे हैं, वर्कर हैं जो अपने ऑफिस में जा रहे हैं, तो क्या करें, नॉर्मल प्रिकॉशन के लिए एक एक टेबलेट ले लें तो ज्यादा अच्छा है, जिससे उनके इम्यून बूस्ट होगा और जो प्रॉब्लम उनको आने वाली है उनसे अब बचा जा सकता है। जैसे आपने काढ़ा बताया तो काढ़ा दिन में कितनी बार लेना चाहिए? काढ़ा सवेरे खाली पेट ले तो सबसे अच्छा रहेगा जी, जैसे ही आप उठते हैं उठते साथ खाली पेट में काढ़ा ले लें, उसके बाद जो भी आपको चाय कॉफी जो भी आपको करना है वो आप कम से कम आधे घंटे बाद लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत से लोगों में मन में ये धारणा रहती है कि ये जो आपने उपाय बताए हैं, काढ़ा है या जो टेबलेट है, इसको खाने से कहीं कुछ गर्मी ज्यादा तो नहीं हो जाएगी, इस तरह की कोई परेशानी तो नहीं हो जाएगी, इस बारे में आप क्या मार्गदर्शन करेंगे? जी जी, जनरली क्या ऐसा होता है, इसके साइड इफेक्ट ऐसा जो आप बोल रहे हैं वो चांसेस बहुत कम होती है, फिर भी अगर ऐसा, हर की अलग अलग तासीर होती है जी, ये क्या व्यक्ति व्यक्ति के हिसाब से डिपेंड करता है, किसी की तासीर ठंडी है, किसी की तासीर गर्म है, किसी को कोई चीज इफेक्ट कर सकती है जी। अगर ऐसा आपको लगता है कि गर्मी बढ़ रही है जी, या कुछ ऐसी प्रॉब्लम लग रही है, तो उसकी मात्रा कम कर दें, जैसे जो आप सवेरे शाम ले रहे हैं उसको एक टाइम कर दें जी, या उसके बाद भी आपको ऐसा लग रहा है तो आप उसको अल्टरनेट डेज लें, जैसे एक दिन लिया आपने एक दिन नहीं लिया, एक दिन लिया आपने एक दिन नहीं लिया, ऐसा वैसा कर दें, उससे जो गर्मी लगना है और जो दूसरी प्रॉब्लम है वो नहीं हो पाएगी। डॉक्टर साहब, आपने च्यवनप्राश की भी सलाह दी है, तो च्यवनप्राश की मात्रा और समय? ज्यादा अच्छा है आप च्यवनप्राश ना सवेरे शाम एक एक चम्मच, बड़ों के लिए जो एडल्ट्स हैं 18 से ऊपर एक चम्मच सवेरे एक चम्मच शाम, तो छोटे बच्चे आधा आधा चम्मच लें तो ज्यादा अच्छा है, अभी क्योंकि मौसम गर्मी का है उसकी मात्रा कम मिले, वैसे अपन 2 चम्मच भी ले सकते हैं पर कम मात्रा में ले तो ज्यादा अच्छा है, खाने के आधा घंटा पहले या 1 घंटे बाद कभी भी ले सकते हैं और सवेरे शाम कभी भी ले सकते हैं च्यवनप्राश, ज्यादा अच्छा है सवेरे खाली पेट नाश्ते के बाद
और रात को सोते समय लें तो ज्यादा फायदा करेगा। जी डॉक्टर साहब, ये तो आयुर्वेदिक दवा की बात हो गई, लेकिन रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में योग और प्राणायाम का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है, तो इस बारे में कुछ मार्गदर्शन करिएगा। जी जी, योग में आप सबसे अच्छा अनुलोम विलोम और भस्त्रिका। भस्त्रिका जो है वो अपने लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाता है और सांस लेने की क्षमता। तो अनुलोम विलोम कितने समय और कितने बार करना चाहिए सर? अनुलोम विलोम कोशिश करें, अगर आप पहले से कर रहे हैं तो आप उसको 10 से 15 मिनट तक कर सकते हैं, और आपने अभी चालू किया है, ज्यादा दिन आपको नहीं हुए हैं, तो आप पहले 5 मिनट से स्टार्ट करें, पहले 5 मिनट करें, फिर 2-3 दिन में जैसे जैसे आपको आदत बढ़ती जाएगी उसको आप 15 से 20 मिनट तक धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। अनुलोम विलोम की गति क्या होना चाहिए सर? कोशिश करें कि जितना आप इजीली कर सकते हैं और उसका पूरे शरीर में इफेक्ट ना, जितना गहरी सांस आप पेट से और अपना लंग्स से भर के जितना गहरा खींच सकते हैं उतना आराम से खींचे और आराम से छोड़ें। और खींचने के बाद उसे कितने सेकंड रोकना चाहिए सर? ज्यादा ना रोके, जितने देर थोड़ा रोक सकते हैं और सीधा उसको बाहर एक्सहेल कर दे, बाहर निकाल दें, और इसको जितना धीरे करें उतना फायदा करेगा। बहुत से लोग जल्दी जल्दी करते हैं उतना इफेक्ट नहीं हो पाता, अब जितने धीरे धीरे करेंगे उतना आपको फायदा होगा। इसके लिए समय उपयुक्त कौन सा होता है? सबसे अच्छा समय है कि सवेरे करें, और ज्यादा अच्छा है कि आप बाहर करें जहाँ पे ताजी हवा सवेरे आके आती है, जिससे जो फ्रेश ऑक्सीजन है जी वो आपके लंग्स में भर जाए, या आपके यहाँ घर में ऐसी जगह नहीं है तो आप बालकनी में या जिस कमरे में खिड़कियां ज्यादा है उसको खिड़की खोल के मॉर्निंग में करें सवेरे, 5 से 7 के बीच करना ज्यादा उपयुक्त रहेगा। अगर आपके पास टाइम नहीं मिल पाता तो आप शाम को भी कर सकते हैं, बस इस चीज का ध्यान रखें आप उसके खाना खाने के 3 घंटे बाद करें, खाने के तुरंत बाद नहीं करें। जी डॉक्टर साहब, जो हमारे ऐसे श्रोता हैं जो कभी अनुलोम विलोम नहीं किए हैं तो उन्हें कृपया मार्गदर्शन करिएगा किस तरह से इसे किया जाता है। इसमें सामान्य आप पालथी मोड़कर बैठ जाएं, सुखासन जिसे बोलते हैं जी, और अपने अंगूठे को पहले आप दाएं हाथ की नाक पे उसको दबाएंगे, और स्टार्ट आप पहले करेंगे तो पहले जो अपनी दाएं नाक का क्षेत्र है उससे पहले सांस लेना स्टार्ट करें जी। फर्स्ट जो स्टार्ट करेंगे आप दाहिने नासिका से अपने स्टार्ट करेंगे सांस लेना, गहरी सांस लें, उसके बाद राइट हैंड से उसको छोड़ दें, फिर जो सीधी हाथ के उसको दबाकर वहां से सांस लें, फिर लेफ्ट से छोड़ें, ऐसा अल्टरनेट एक के बाद एक आप धीरे धीरे उसको करते जाएं, और कोशिश करें कि जैसे आपने लेफ्ट से स्टार्ट किया तो राइट में लाकर खत्म करें, जिससे पूरा एक सर्कल कम्प्लीट होगा। जी तो 5 मिनट से आरंभ करें और इसे बढ़ाकर 15 मिनट तक ले जाया जा सकता है। जी जी 15 मिनट तक ले जाया सकता है, बस धीरे धीरे आराम से बढ़ाएं, एक दिन में इसको कोशिश ना करें, धीरे धीरे करेंगे तो जैसे आपकी करने की कैपेसिटी बढ़ते जाएगी जी, इसको आप धीरे धीरे बढ़ाते जाएं। आपने फिर बताया भस्त्रिका, इसे कैसे किया जाए? भस्त्रिका में गहरी सांस लेते हैं, नाभि से खींचते हुए पूरे लंग से पूरी गहरी सांस लें और जोर से सांस छोड़ें, गहरी सांस एकदम गहरी लें और छोड़ें, बस सांस को अपना लेना है और छोड़ना है, ये भस्त्रिका कहलाता है। इसकी अवधि कितनी होनी चाहिए शुरू में? इसको भी शुरू में आप 5 से 7 मिनट से स्टार्ट करें और धीरे धीरे 15 से 20 मिनट तक इसको बढ़ा सकते हैं, इससे आपका लंग्स बहुत मजबूत होता है, और अभी अपने को कोरोना से बचाव के लिए सबसे जरूरी है कि अपना लंग्स अच्छा मजबूत हो, इससे बचाव हो पाए। जी और कोई आसन या प्राणायाम? प्राणायाम में कपालभाति करें, कपालभाति बहुत अच्छा है, आपने भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम कर लिया तो कपालभाति से बहुत सारी चीज, जितनी भी पेट की प्रॉब्लम है, गैस की प्रॉब्लम है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, जितनी भी पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम, शुगर है, बीपी है, हार्ट है, ये सब इससे कवर हो जाता है। कपालभाति किस तरह से करना चाहिए डॉक्टर साहब? कपालभाति में अपन सामान्य सुखासन में बैठ जाए और सांस को बाहर फेंकें, जैसे क्या होता है अपन कभी नाक में अपने मच्छर चले आते हैं, अपन क्या करते हैं बाहर फेंकते हैं, या जैसे अपन नाक साफ करते हैं जी, वो प्रोसेस कपालभाति को होता है। जैसे मान लीजिए आपने कभी नाक में मच्छर चल के अपन क्या करते हैं जी, सांस बाहर फेंकते हैं जी, बस उसी प्रोसेस में अपने को सांस बाहर फेंकते जाना है, धीरे धीरे फेंकें, और कोशिश करें कि 1 मिनट में 60 बार हो, 50 से 60 बार, उससे ज्यादा ना करें। 1 मिनट में 50 से 60 बार? जी 50 से 60 बार, धीरे धीरे करें, बहुत जल्दी जल्दी ना करें, जल्दी जल्दी करेंगे तो उतना फायदा नहीं मिलता अपने को, कोशिश करें 1 मिनट में 50 से 60 बार हो, या तो आप गिनते जाएं, उसका धीरे धीरे उसको सांस को बाहर छोड़ते जाएं। तो ये शुरू में कितनी देर करना चाहिए? शुरू में इसको आप 5 से 10 मिनट ही करें, फिर धीरे धीरे बढ़ाते जाएं। डॉक्टर साहब और कोई उपाय रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने के? रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने के एक्यूप्रेशर के कुछ पॉइंट्स होते हैं जी, जिसमें लंग्स के पॉइंट हैं, ब्रेन के पॉइंट हैं, और जो अपने नाक के पॉइंट होते हैं, क्या करें आप जितने भी अपने दोनों हाथ हैं उसकी उंगलियों के टिप्स, एक तरफ अपनी उंगलियों में नाखून होता है, दूसरी तरफ अपनी गद्दी वाला पोजीशन होता है जी जी, तो जितने भी हाथ के अंदर के टिप हैं पूरी उंगलियों के जी, ऊपर के टिप, सभी उंगलियों को दबाएं, अंगूठे को और अपनी चारों उंगलियों को दोनों हाथ के, उसके साथ ही जहां पे अपनी उंगलियां खत्म होती हैं, जहां हथौली चालू होती है जी, ठीक है जी, उंगलियां खत्म होती है, हथौली का पहला पोर्च चालू होता है जहां पे जी, हथेलियां जहां पे चालू होती है वो पूरा लंग्स की पोजीशन आ जाती है, जहां पे अपनी उंगलियां एंड हो रही है, उंगली का एंड पॉइंट जी जी,
उसमें हथेली के जो हथेली और उंगली जहां मुड़ रही है वहां पे आप सूर्य रेखा जो बोलते हैं उसके ऊपर का पॉइंट जी उसको आप दबाएं, वो लंग्स का एरिया आ जाता है, इससे आपके लंग्स मजबूत होंगे। या सबसे अच्छा आप क्या करिए, 3 से 5 मिनट तालियां बजाएं जी, ठीक है, दोनों हाथों से ऐसा जोर जोर से ताली बजाएं जिससे सारी उंगलियां आपस में मिल पाए जी। आप 5 से 7 मिनट ताली बजा लीजिए, आपके जितने भी एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं जिसकी आपको जानकारी हो चाहे ना हो पूरे दब जाएंगे। एक्यूप्रेशर सिर्फ इलाज ही नहीं है, ये जो आपको प्रिवेंशन मेथड है, जो बीमारी आपको आने वाली है चाहे बीपी हो चाहे शुगर हो चाहे और भी कोई बीमारी, अगर आप इसको ताली बजाते रहेंगे तो आपके पूरे पॉइंट्स एक्टिवेट होंगे, इससे आपकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, जो आपको बीमारी आने वाली है उससे भी बचाव होगा। आप तो जो प्रॉब्लम है उसका इलाज तो कर ही सकते हैं, साथ में जो आने वाली बीमारी उसको भी अपन इससे ताली बजाकर रोक सकते हैं। यानी आपने बताया कि उंगली के अग्रभाग में और जहां उंगली खत्म होती है वहां यदि अपन न दबा सकें तो तालियां बजाने से सारी चीजें कवर हो जाएंगी। जी जी, आप अगर न समझ आ रहे तो ताली बजा ले, 5 से 7 मिनट दोनों हथौलियों को आपस में टकराएं, पूरी उंगली थोड़ा फैला के, जिससे पूरे पॉइंट हाथ के जी दब जाएंगे अपने। जी डॉक्टर साहब, और कोई उपाय जो बातचीत में न आया हो? मेन तो सबसे बड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, और जब भी आप बाहर से घर आ रहे हैं या बाहर भी जा रहे हैं अपने हाथ को नाक आंख और मुंह ये 3 चीज में छूने से बचें, और कोशिश करें जैसे आप राइट हैंडर हैं तो आपको अगर बहुत जरूरत हो तो आप लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करें उसको साफ करने में, क्योंकि अपना राइट हैंडर तो बार बार राइट हैंड जाता है जी, तो अपन राइट हैंड से ज्यादा चीजें छूते हैं, तो आप अगर बहुत जरूरी है तो आप लेफ्ट हैंड इस्तेमाल करें। गुनगुना पानी पीते रहे दिन भर जी, चाहे तो लौंग या काली मिर्च जो भी आप इजी से रख सकते हैं जेब में जी, उसको दिन में 2-3 बार मुंह में तोड़ तोड़ के उसको रस चूसते रहे, साइड में बगल में रख लें आप होंठ में जी, और उसको धीरे धीरे उसका रस चूसते रहे, तो उससे भी बहुत से प्रॉब्लम इसके ठीक हो जाएगी। हाथ धोते रहे। और डॉक्टर साहब, हमारे श्रोताओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? घर में रहें, सुरक्षित रहें, बहुत जरूरी हो तभी निकलें, और सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ध्यान रखें, मास्क पहनकर निकलें, हाथ धोएं, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जी तो डॉक्टर विकास श्रीवास्तव जी, आज आपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को कैसे बढ़ाएं इस बारे में काफी विस्तार से जानकारी दी, आयुर्वेद के, योग के और एक्यूप्रेशर के आपने जो उपाय बताए वो निश्चित रूप से हमारे श्रोता साथियों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। आपकी जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, ये थे डॉक्टर विकास श्रीवास्तव जो बता रहे थे कि हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कैसे बढ़ाएं। चलती रहे जिंदगी, तुम भी चलो हम भी चलें, चलती रहे जिंदगी, तुम भी चलो हम भी चलें, चलती रहे जिंदगी, ना जमी मंजिल ना आसमां, जिंदगी है जिंदगी, तुम भी चलो हम भी चलें, चलती रहे जिंदगी। I'm
जनों की जुबान नित कहे दास्तां प्यार की झिलमिल छांव में पलती रहे जिंदगी तुम भी चलो हम भी चले चलती रहे जिंदगी मस्ती के धारों में हो गूंजे यही धुन सदा दिल के तारों में हो अब रुके ना कहीं प्यार का कारवां नित नई रुत के रंग में ढलती रहे जिंदगी तुम भी चलो हम भी चले चलती रहे जिंदगी ना जमी मंजिल ना आसमां जिंदगी है जिंदगी तुम भी चलो हम भी चले चलती रहे जिंदगी। हाय मेरे हाथ, ये बाल्टी कंघा छूते ही मेरे हाथ तो वायरस बन गए, मेरा गला पकड़ लिया। तभी वो आया, बोला सेल्समैन शौचा सिंह, बस 20 सेकंड की धुलाई और खेल खत्म। पूछा तुम कौन, बोला मैं तेरा साबुन, और सपना टूट गया। सपना फिल्मी है पर साबुन ही है, ऐसे वैसे कैसे भी वायरस और देखी अनदेखी गंदगी से निपटने का सबसे वफादार यार। ध्यान रहे 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोना, खासकर चार मौकों पर, यानी जब शौच को जाओ, जब बाहर से आओ, बच्चों का मल साफ करने के बाद, खाना खाने, पकाने और परोसने से पहले। तो चलो साबुन पर हाथ रखकर खाओ कसम, हाथों को वायरस नहीं बनने देंगे हम। स्वच्छ भारत अभियान पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा जनहित में जारी। श्रोताओं, कोविड-19 से बचाव के लिए जब देश में लॉकडाउन किया गया तो विभिन्न राज्यों में फंसे प्रवासी श्रमिकों को अपने गांव लौटने के लिए बड़ी समस्या हो गई और इस समस्या का समाधान किया भारतीय रेलवे ने। भारतीय रेलवे ने खतरा उठाकर भी श्रमिक स्पेशल ट्रेन का संचालन कर प्रवासी श्रमिकों को उनके घर पहुंचाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठाई। इस प्रयास में ट्रेनों के स्टेशन पहुंचने पर प्रवासी श्रमिकों को भोजन और पानी वितरण का कार्य भी चुनौतीपूर्ण था और इस कार्य को पूरा करने का बीड़ा उठाया भारतीय रेलवे के स्काउट गाइड के रोवर्स और रेंजर्स ने। इन्होंने कोरोना योद्धा के रूप में कार्य करते हुए इस कार्य को पूरा किया। तो लीजिए मिलिए एक ऐसे ही कोरोना वॉरियर सुश्री नंदिनी गौड़ से। नंदिनी गौड़ रेलवे स्काउट गाइड की जिला संगठन आयुक्त हैं और रेंजर्स की लीडर हैं। नंदिनी जी, कोविड-19 जागरूकता कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं और आपसे यही जानना चाहेंगे कि आपको लॉकडाउन के दौरान किस तरह से ये बात मन में आई कि आपको अपनी सेवाएं देनी है। हमारे रेलवे के जो हमारे अधिकारी हैं, जो ऑफिसर हमारे, उसमें डीसीएम सर, एडीआरएम मैडम, डीआरएम सर, डीपीओ मैडम, इन सभी लोगों ने हम लोगों को, मतलब हम लोग तो एम्प्लॉय हैं, हम लोगों को वहां से रिलीज करना, ये सारी चीजों के लिए उन लोगों ने प्रोत्साहित किया और उन्हीं के थ्रू हम लोग वहाँ पे जा पाए। तो क्या योजना थी आप लोगों को, किस तरह से क्या काम सौंपा गया?
वो एक्चुअली हम लोगों को ना ऑनलाइन ही सारी चीजों के लिए इस कोरोना वायरस से रिलेटेड जिस किस तरीके से हमें उससे सेफ्टी रखते हुए उनका हेल्प करना है, ये सारी चीजें हम लोगों को ऑनलाइन हमारे सर जो है सुनेडिसन सर और डीपीओ मैडम आईडियारा मैडम और सर हमारे डीएम सर ये सब हम लोगों को ऑनलाइन ही सारी चीजों को बताएं कि ट्रेनिंग चली एक्चुअली हम लोगों की है। उन लोगों ने हम लोग को 15-20 दिन की ट्रेनिंग दी और इस ट्रेनिंग के दौरान हमें बताया कि किस तरह से वहाँ प्रोटेक्ट करना है, उन लोगों को कैसे सेव करके बताना है और जो डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह जो करना है और हमें किस तरह से प्रोटेक्ट होकर वहाँ पे सर्विस देना है। ट्रेनिंग के बाद मुख्य रूप से आपको कौन सा कार्य सौंपा गया? जैसे कि फूड डिस्ट्रीब्यूशन होता है और लेबर ट्रेन में जो खाना उनको प्रोवाइड करना था उस खाने की पैकिंग करने का हम लोगों को दिया गया था, और जैसे वाटर सप्लाई है उन लोगों को पानी देना लोगों को, तो वो पानी देने के लिए हम लोगों को वहाँ पे प्रोवाइड किया गया था। और इधर हम लोग जैसे बहुत सारे रोवर्स रेंजर्स हम लोग जो लीडर्स थे ज्यादातर एडल्ट लीडर्स ने लोग थे उन सभी को वहाँ पे प्रोवाइड किया गया था, और हम लोग सब सिर्फ जो लेबर्स आते थे जितने क्वांटिटी में एक एक कोचेस में जो थे उस हिसाब से हम लोग उन पैकेट तैयार करते थे एक एक खाने का, और उस पूरे खाने का पैकेट को तैयार करके उसे पैक करके उसे हम मतलब जहाँ तक कोचेस रुकती थी ट्रेन की उस कोचेस के सामने प्लेस पे डिस्टेंस में फूड को प्रोवाइड कर देते थे, हम लोग रख देते थे उस प्लेस में वाटर को और फूड को, और फिर जब ट्रेन रुकती थी तो फिर हम उनको लेबर्स को इंस्ट्रक्शन देते थे कि आप उस ट्रेन से ना उतरें, डोर को क्लोज ही रखें, जब हम आपको बोलेंगे तो आप नीचे कोई दो जन इस डोर से और सेकंड डोर से आके उस फूड को वहां से लेकर जाएगा और हाफ ऑफ करके डिवाइड कर लेंगे वाटर को भी और फूड को भी, और वो बकायदा ले जाते थे और उसे डिस्ट्रीब्यूट भी करते थे। और दूसरा ये था कि हम लोग वाटर भी देते थे उनको साथ में फूड के साथ, बट हम लोग उनके खुद के जो वाटर बोतल रखे हुए थे उसको हम लोग हमारे यहाँ रेलवे का जो स्टेशन है उसमें जो नल लगी हुई उनसे उनको वाटर देते थे, पर वो भी डिस्टेंस मेंटेन से ही देते थे हम लोग। बाकी उन लोग बहुत अच्छे सफिशियंट होके ही लेके जाते थे, खुशी उनको भी होती थी हमें भी होता था सर्विस देकर कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं उनके लिए। तो जब एक ट्रेन आती थी तो पहले से अलग अलग दूरी पे आप लोग काउंटर बना के रखते थे क्या? जितने लेबर जिस जिस कोचेस में है उस हिसाब से हम एक फूड प्रोवाइड करके, मतलब अगर वो एक एस्टिमेशन था कि अगर मान लीजिए 82 है एक कोच में तो उस हिसाब से हम फूड 82 पैकेट्स रेडी करके और बोटल्स 82 वो एक कोच के सामने रखते थे, देन नेक्स्ट कोच के सामने भी सेम रखा जाता था, देन नेक्स्ट कोच के सामने भी वैसे रखा जाता, तो मतलब वैसे डिस्ट्रीब्यूट कर करके रखा जाता। तो हमारे जितने स्काउट गाइड रोवर रेंजर्स जो भी हमारे सर्विस दिए हैं वो सब एक एक के पास खड़े रहते थे ताकि इंस्ट्रक्शंस दे सके उन्हें कि आप दो आके ले जाओ और इधर से दो आके ले जाओ, मतलब फर्स्ट टू एंड जो जितना मतलब कोचेस लगे हुए थे ना सबके पास प्रोवाइड किया जाता था, अदरवाइज जो कोचेस खाली जाती थी वो फूड वापस रिटर्न हो जाता था, जब नेक्स्ट ट्रेन आती थी तो फिर वो फूड उन्हें वो किया जाता था। कहीं कोई आपको शिकायत तो नहीं आई कि भोजन हमें नहीं मिला पानी नहीं मिला? नहीं, ऐसा कोई शिकायत नहीं आई कि हमें भोजन या पानी नहीं मिला, अदरवाइज अगर कुछ कम ज्यादा या एक्स्ट्रा उनको चाहिए रहता था जैसे छोटी बेबी है उनके पास छोटे बच्चे वगैरह तो उनके लिए अगर एक्स्ट्रा चाहिए रहता था तो वो हम लोग प्रोवाइड अलग से करवा देते थे उनको। अच्छा, क्योंकि हमें तो एक लिमिटेड जितने हैं उतना का एस्टिमेशन मिलता ही था तो वो तो हम रेडी करके ही रखते थे। अच्छा, यदि कोई अतिरिक्त चाहते थे उन्हें भी आप दे देते थे? जी हम उन्हें अरेंज करके देते थे, ऐसा नहीं क्वांटिटी तो हमारा फिक्स नहीं रहता था। अच्छा, लेकिन उन्हें अरेंज करके उन्हें दिया जाता था। जी जी, मतलब उनकी आवश्यकता की पूर्ति हो जाती थी। जी, तो इसमें आपकी टीम में लगभग कितने लोग थे? हम लोग लगभग 19 से 20 लोग थे। तो एक दिन में लगभग कितनी ट्रेन आती थी? तो कम से कम आई थिंक हमारा ड्यूटी जो है शिफ्ट वाइज था, जैसे गर्ल्स मॉर्निंग में करती थी हम लोग जी, और जो बॉयज थे वो इवनिंग करते थे, तो मॉर्निंग में हमारा ज्यादातर ट्रेनें पास हुई हैं, तो दो तीन कभी कभी दो तीन निकली थी, कभी कभी तीन चार ऐसे ट्रेनें निकल जाती थी। तो आपका टाइमिंग क्या था? 9 to 5:30 हम रिलीज होते थे, देन बॉयज जो आते थे वो 5:30 to 9। तो ये सेवा का सिलसिला कितने दिनों तक चला? लगभग 1 month तक चला है ये। जी, तो ये बताइए कि आपको ये कार्य करते समय कुछ परेशानी हुई, कोई समस्याएं सामने आई? नहीं, परेशानी तो नहीं आई और न ही समस्या, बट थोड़ा सा डर जरूर था जी इन सब चीजों, मतलब जो सिचुएशन हम उन ट्रेनों में जो उन लोगों को देख रहे थे या फिर स्टेशन में जो सिक्योरिटी किया गया था मेडिसिन वगैरह के लिए ट्रीटमेंट के लिए उनको देख के थोड़ा सा डर जरूर लगा था, बट वहां करते हुए वो चीज क्लियर हो गई कि अब है तो प्रॉब्लम उन लोग वो भी इतने फेस करके वो चीज को जा रहे हैं अपने अपने घर। जी, इतने दिनों तक काम की, इतने श्रमिक साथियों को आपने अपने भोजन दिया, पानी की व्यवस्था की,
तो श्रमिक साथियों के क्या भाव रहते थे? एक्चुअली उन्हें देखकर हमें भी तकलीफ होती थी कि वो कितने बुरे कंडीशन में है, सब अपने अपने घर वापस जा रहे हैं, जिस जो कंडीशन अभी हो चुका था, तो उन्हें देखकर बुरा तो लगता था बट अच्छा भी लगता था कि सही सलामत वो अपने घर पहुंच जाए। आप लोग जब खाना देते थे, पानी देते थे जी? तो वो जब ट्रेन छूटती थी यहाँ से, तो वो क्या प्रतिक्रिया रहती थी श्रमिक साथियों की? सर वो प्रतिक्रिया अगर कोई भी वहां रहे ना, तो उन्हें मतलब जैसे बोलते दिल हार्ट टचिंग नहीं हो जाती है उस तरीके से, मतलब उनको देख के खुद से एक फीलिंग्स आती है ये कि आज हमारी कंडीशन क्या हो गई है, किस तरीके से सब मतलब अपने अपने घर जा रहे हैं जी। वो उनको देख के वो चीज रियलाइज होता था, पर उन्हें देखकर मतलब बता नहीं सकते कब, मतलब उनकी फीलिंग्स ऐसी रहती कि वो कोई कोई अपने टेंशन में भी बैठे रहते थे, कोई कोई चिकन रहता था कि वो पहुंच जाए, कि ऐसा कंडीशन भी होने वाला है, बट वो लोग बहुत खुश होते थे जब वो स्टेशन में आते थे जी। और उन्हें ये मतलब भोजन वगैरह अच्छे से मिल जाता था, तो बकायदा खुश होते हुए जाते थे, कोई कोई तो क्लैप भी करते थे और फिर थैंक्स करके बोलते, मतलब थैंक्स करते हुए जाते थे। कुछ ट्रेनें ऐसी थी जो जाते हुए मतलब थैंक्स बोलते हुए निकली थी वहां से। अच्छा अच्छा। और कुछ लोगों ने तो क्लैपिंग करते हुए भी गया है वहां से, तो बहुत अच्छा लगता था वो चीज देख के कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं इन लोगों के लिए, मतलब एक प्राउड फील होता था कि इन लोगों को हम कुछ तरीके से हेल्प कर रहे हैं। जी जी। तो आप लोग अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते थे? हाँ, वो तो हमें खुद के लिए ग्लव्स और हैंड वो जो हेड कैप होता है वो, सैनिटाइजर, सॉप, ये सब हम लोगों को खुद से प्रोवाइड किया हुआ था, उसको यूज करते हुए वो सब दे रहे थे, क्योंकि वो ज्यादातर सोशल डिस्टेंस मेंटेन जो बोला गया था वही बस डिस्टेंस करते थे, क्योंकि उस श्रमिक को खुद ही आकर अपना भोजन लेके जाते थे दो लोग, दो दो करके आके। जी। तो लगातार एक महीने तक काम करते हुए आपको कभी थकान लगी? नहीं, थकान तो नहीं लगी, बल्कि अच्छा ये लगा कि हम कुछ अच्छा करने जा रहे हैं इतने सारे लोगों के बीच, मतलब इन लोगों की हम हेल्प कर रहे हैं, ये चीज की बहुत खुशी थी। आप जो कोरोना वॉरियर के रूप में जब काम कर रही थी, तो घर वालों का क्या कहना था? पहले तो मना कर दिए थे कि इन सब चीजों में जाने की क्या जरूरत है अभी जब इतना प्रॉब्लम है तो, बट लेकिन जब वहाँ पे जाके, जब मैंने खुद जाके वहाँ पे आई, उसके बाद से घर में कोई दिक्कतें भी नहीं आई और उन्हें भी अच्छा लगा कि ऐसा काम कर रही है करके, बाद में खुशी हुई। हाँ, बाद में उन्हें खुशी, मेरी मम्मी को भी खुशी हुई, मतलब मेरे पापा, सबको खुशी हुई, अच्छा लगा उन्हें कि उनकी बेटी भी कोरोना योद्धा के रूप में काम कर रही है। जी। आप हमारे श्रोताओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? कहना ये चाहूंगी कि आप बी केयरफुल रहें और डिस्टेंस मेंटेन करें, जरूरत पड़े तभी घर से बाहर निकले, अदरवाइज घर से बिल्कुल भी बाहर ना निकले, अपने घर पे ही रहें, छोटे बच्चे हो गए या जो बुजुर्ग हैं उनको सेफ रखें, उन्हें तो और भी बाहर ना निकलने दें, क्योंकि सोशल डिस्टेंस ही एकमात्र है जो सेफ कर सकता है, अदरवाइज और कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे उस चीजों से बचा जा सके। जी। तो नंदिनी गौर जी, आपने श्रमिक स्पेशल ट्रेन में जो हमारे श्रमिक साथी रायपुर पहुंचे, उनके लिए जो भोजन की और पानी की व्यवस्था की गई थी, उसमें आपने अपनी महत्वपूर्ण सेवा दी, श्रमिक साथियों के चेहरों पर खुशियां लाई, इसके लिए हम आपका अभिनंदन करते हैं, और आपने जो विस्तार से हमें जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी कोरोना वॉरियर रेलवे स्काउट गाइड की जिला संगठन आयुक्त और रेंजर्स की लीडर सुश्री नंदिनी गौर।
देखो वो रेल बच्चों का खेल, सीखो सबक जवानों, देखो वो रेल बच्चों का खेल, सीखो सबक जवानों, सर पे है बोझ सीने में आग, लब पे धुआं है जानो, फिर भी ये गा रही है नगमे सुना रही है, गाड़ी भी बुला रही है, सीटी बजा रही है, आगे तूफान पीछे बरसात, ऊपर गगन पे बिजली, आगे तूफान पीछे बरसात, ऊपर गगन पे बिजली, सोचे न पार दिनों के रात, सिग्नल हुआ के निकली, दुश्मन के यार सबको चलिए लेके, जीना सिखा रही है मरना सिखा रही है, गाड़ी बुला रही है सीटी बजा रही है, का नाम ना कर बदनाम, पटड़ी पे रख के सर को, गाड़ी का नाम ना कर बदनाम, पटड़ी पे रख के सर को, हिम्मत न हार कर इंतजार, आ लौट जाए घर को, ये रात जा रही जी। नमस्कार, मैं डॉक्टर नितिन एम नागरकर, डायरेक्टर एंड सीईओ एम्स रायपुर। मैं आप सबको यही बताना चाह रहा हूं कि आप जानते हैं कि कोविड 19 का ये वायरस का इन्फेक्शन पूरी दुनिया में फैला हुआ है,
जिसको वैश्विक महामारी यानी पैंडेमिक कहते हैं, मगर ये ऐसा नहीं है। मेजॉरिटी पेशेंट्स जो इसमें जिनको ये संक्रमण होता है वो ठीक होकर के भी बाहर जा रहे हैं, 80% लगभग बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। बाकियों को अगर हॉस्पिटल में जिनमें भर्ती भी करते हैं, ठीक भी रहते हैं, तो भी वो वक्त के साथ उनमें भी सुधार आ रहा है। और जब भी ये पेशेंट डिस्चार्ज होकर वापिस जाते हैं अपना बाकी घर जाते हैं, बेशक हम उनको पहले 2 हफ्ते के क्वारंटाइन अपनी सेफ्टी के लिए बोलते आए हैं, लेकिन बाद में वो बिल्कुल नॉर्मल की तरह गुजर बसर कर सकते हैं। वो बाकी आपके भाई बहनों की तरह हैं और वो बिल्कुल सोसाइटी में आम आदमी की तरह घूम सकते हैं। उनके साथ बिल्कुल कोई भेदभाव करने की जरूरत नहीं है, कोई भी स्टिग्मा पालन करने की जरूरत नहीं है। ये जस्ट एक वायरल इन्फेक्शन है और वायरल इन्फेक्शन जिससे वो पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं, तो बिल्कुल उनके साथ कोई भेदभाव की जरूरत नहीं है, वो नॉर्मल है बाकी की तरह। उसी तरह से जो डॉक्टर्स, नर्सेस, स्टाफ जो भी हॉस्पिटल में होते हैं, या पुलिस ऑफिसर्स, या जो भी सफाई कर्मचारी, सुरक्षा कर्मचारी, जो भी ऐसे मरीजों की देखभाल में आगे आते हैं, उनके साथ भी भेदभाव ना करें। वो आपके लिए बिल्कुल योद्धाओं की तरह सामने खड़े हैं और आप ही की जान बचाने के लिए वो पूरी तरह से 24 घंटे संघर्ष कर रहे हैं। वो आपके मित्र हैं, उनसे प्यार करें, उनको सपोर्ट करें, तो वो और अच्छी तरह से आपकी मदद करेंगे। धन्यवाद। तो श्रोताओं, COVID-19 से बचने के लिए बताई गई सावधानियों को अपनी दिनचर्या में, अपनी जीवन शैली में, अपनी आदत में शामिल कर लीजिए और अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए सभी उपाय लगातार करते रहिए, क्योंकि ऐसा करने से आप न केवल COVID-19 के संक्रमण से बचे रहेंगे बल्कि अन्य दूसरे रोगों से भी बचने में मदद मिलेगी और आप पहले से ज्यादा स्वस्थ महसूस करेंगे। और इसी कामना के साथ COVID-19 जागरूकता कार्यक्रम से अनुमति दीजिए अपने दोस्त संजय पांडेय को। नमस्कार। गांवों के सरपंचों के लिए कोरोना वायरस COVID-19 से जुड़ी एक आवश्यक सूचना। दूसरे राज्यों और शहरों से वापस आए लोगों को COVID-19 के बारे में ये जानकारी अवश्य दें। आपस में 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। नाक, मुंह या आंखें अनावश्यक न छुएं। बार बार हाथ साबुन से अच्छी तरह 20 सेकंड तक धोएं। खांसते एवं छींकते समय रुमाल या कोहनी से नाक मुंह ढकें। COVID-19 से बचाव के लिए आशा कर्मियों से सलाह लें। अधिक जानकारी के लिए अपने जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी से संपर्क करें या भारत सरकार के हेल्पलाइन नंबर 1075 पर कॉल करें।